डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। सेंट कोलंबस स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृत सब्जेक्ट के साथ मैं राम सर क्लास 5th के लिए नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 12 द्वादशः पाठः किम तर्तुं जानाति, क्या तैरना जानते हो। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको रीडिंग करते हैं, इसके बाद फिर इसका अर्थ देखेंगे। मेरे साथ आप भी बोलिएगा, कंस निश्चित काले विद्यालयस्य एकः प्राध्यापकः विहर्तुं नौकायाम् आरूढः अभवत्। ठीक है, क्लियर, आगे चले। नौकया जल विहारम् कर्तुं तस्य प्रथमो अवसरः आसीत्। बाल सूर्यस्य किरणानां जल क्रीडां वीचीनां नर्तनम् अम्भसाम् अपारम् राशि अरित्रमाध्यमेन नौकया अग्रे सारणम् इत्यादि दृश्यं दृष्ट्वा सः नाविकम् एव एवम् अपृच्छत्। ठीक है, अब देखिए, कंस निश्चित काले किसी समय में, बहुत पुराने समय की, किसी जमाने की बात रही होगी, किसी समय में विद्यालयस्य एकः प्राध्यापकः, विद्यालय का एक अध्यापक जो है, विहर्तुं विहार करने के लिए नौकायां नाव में आरूढः माने बैठा, सवार अभवत् माने हुआ। ठीक है, नौकया जल विहारम, नाव से जल विहार कर्तुं करते हुए, नाव से जल विहार करते हुए तस्य प्रथमो अवसर आसीत्, उनका जो है उस अध्यापक का, तस्य किसका विश्लेषण है, प्राध्यापक का, उस अध्यापक का प्रथम अवसर आसीत्, पहली बार नाव पर बैठे थे, नाव विहार कर रहे थे। बाल सूर्यस्य प्रातः कालीन समय की वेला थी। ठीक है ना, बाल सूर्य मतलब प्रातःकालीन समय, प्रातःकालीन समय यानी जिस समय सूर्य भगवान एकदम उग रहे थे उस समय की बात है। तो बाल सूर्यस्य प्रातःकालीन सूर्य की किरणानाम, सूर्य की किरणे जल क्रीडाम वीचीनाम नर्तनम, जल के बीच में क्या कर रही थी, नर्तनम नृत्य कर रही थी, कौन, सूर्य की किरणे। और अम्भसाम अपारम, ठीक है, जल के ढेर को, अम्भसाम माने जल, ठीक है, पानी, पानी के अपारम बहुत सारे राशि, बहुत सारे ढेर को, पानी के बहुत सारे ढेर को क्या करते थे, अरित्र माध्यमेन पतवार के माध्यम से, ठीक है, पतवार के द्वारा जो है नौकया नौका को अग्रे सारणम आगे करता हुआ क्या, इत्यादि इस प्रकार दृश्यम, दृश्य को दृष्ट्वा देखकर, इस प्रकार का दृश्य देखकर सह नाविकम वह नाविक को एवं अपृच्छत, नाविक को इस प्रकार पूछा, नाविक से इस प्रकार पूछा, क्या पूछा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।